हेलो एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। यार थंबनेल तो देख ही लिया हो, सुबह से देख रहे हो यूट्यूब पे कि प्रपोज कैसे करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रपोज कैसे करना है, और वो भी कैसे। अगर हम यार कंप्यूटर वाले हैं तो आसान बात तो होगी नहीं, प्रपोजल भी हम लोगों का अलग होगा। तो यार मैं जो है आज प्रपोज करने वाला हूँ। तो मान लो अपने मन में आप सभी, मैंने अपनी ड्रीम गर्ल को चूज कर लिया है। वैसे अपनी ड्रीम गर्ल को, अपने ड्रीम समवन को आप भी चूज कर लो। अगर लड़की हो तो आप अपने ड्रीम समवन को चूज कर लो, अगर आप लड़के हो तो आप अपने ड्रीम समवन को चूज कर लो, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एक बढ़िया सा प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने समवन को प्रपोज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे और कैसे हम ये प्रपोजल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए होगी कुछ लाइब्रेरी। तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और डाउनलोड करते हैं एक बढ़िया सा लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रपोज करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ विंडो आर, मैंने खोला सीएमडी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। ये पैकेज गूगल का है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पीच में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कैसे इससे हम प्रपोज करवाते हैं। आज ये कंप्यूटर हमको प्रपोज करेगा, ठीक है। पिप इंस्टॉल, इसमें आपको देना है क्या, पिप इंस्टॉल करना है आपको, ऐसे देना है GTTS। आपने ये करा, अब देखो ये चले कुछ कमांड और ये हमारा GTTS इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुल्ली इंस्टॉल। ऐसे ही आपको करना है, पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। इसके बाद बच्चों, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद भैया, आप जिसको प्रपोज करने वाले हैं उसके लिए एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहोगे कि सर कितनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करवा रहे हैं, अरे यार प्रपोज करने जा रहे हो, लाइब्रेरी की जरूरत तो होगी ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस GTTS की सहायता से ही प्रपोज करके दिखाते हैं। आओ देखते हैं ये GTTS कैसे प्रपोज करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं अपना पाइथन IDE। आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए तभी प्रपोज कर पाओगे, वरना प्रपोज नहीं कर पाओगे। तो प्रपोज करने के लिए सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है, और अगर अभी तक आपने पाइथन को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाओ और पाइथन को पढ़ो, एक्सप्लोर करो और फिर आओ और क्या करो, अपने समवन को, लव्ड वन को प्रपोज करो। सबसे पहले जाना है न्यू फाइल पे, एक नई फाइल खोल लेनी है, ठीक है। अब जब आपने नई फाइल खोल ली है तब आपको करना है इसके साथ में खेल। क्या खेल करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करोगे, GTTS को इंपोर्ट करना है। फ्रॉम GTTS इंपोर्ट, आपको ऐसे ही कमांड देना है, इंपोर्ट GTTS। आपको क्या करना है, इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको एक चीज और इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट OS। इंपोर्ट कर लिया हमने OS को, अब आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आपको सारी चीजें इंस्टॉल, आपको क्या करनी है, लोअर केस में लिखनी है। हमने OS को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ क्या यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप, मुझे पता नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किसी को प्रपोज नहीं करा है, तो आपको प्रपोज करते समय क्या बोलना है उस टेक्स्ट को यहाँ पे पास कर दो। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम प्रपोजिंग यू, ठीक है, आई एम प्रपोजिंग यू, मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये हमने लिख दिया, प्रपोज करने वाला जो टेक्स्ट है वो हमने लिख दिया है, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, किस लैंग्वेज में करना है, तो मैं ऑटो जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। इंग्लिश के लिए आपके पास होता है EN, तो हम क्या करते हैं उस EN का यूज करते हैं। EN के बाद फिर क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ OBJ, और उस OBJ में मैं लिखता हूँ GTTS। मैंने लिखा GTTS और यहाँ पर मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पर मैं पास करता हूँ टेक्स्ट। तो जिस टेक्स्ट को आपने करा है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पास कर दो, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है लैंग की, लैंग इक्वल टू लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश दे रखी है तो वहीं पे आपको वेरिएबल पास कर देना है लैंग्वेज को।
फिर क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है। अब यार देखो, किसी से प्यार का इजहार कर रहे हो तो धीरे धीरे करना, ठीक है। बड़ी जल्दी करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जब जल्दी नहीं करना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्लो इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो अगर बहुत धीरे नहीं, अब बहुत धीरे भी कर दोगे तो हो सकता है जिसको प्रपोज करने जा रहे हो वो तब तक किसी को कर दो, कर दे, तो इतना स्लो भी नहीं करवाना है। तो हमने क्या लिखा, स्लो इक्वल टू फॉल्स। अब देखो बहुत स्लो भी नहीं होगा, हम क्या करते हैं, फिर इसको मैं सेव करता हूँ। सेव कैसे करता हूँ, मैंने लिखा obj.save, मैंने क्या लिखा obj.save, और जैसे ही मैं लिखता हूँ obj.save, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ, मान लो मैं दे देता हूँ लव, ठीक है, या मैं दे देता हूँ कोई भी नाम, आप अपने मन से ले लेना। तो मान लो मैं दे देता हूँ ड्रीम गर्ल। सबकी सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है, सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है ना, तो मैंने दे दिया ड्रीम गर्ल, ठीक है। फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे MP3। मैंने क्या करा, इस पैरेंथेसिस को क्लोज करा और फिर मैं एक छोटी सी चीज़ और देता हूँ, obj.system सिस्टम, ठीक है। मैंने सिस्टम कर दिया। अब मैंने जो साउंड बनाया है, जो ऑडियो बनाया है, उसको मैं फिर से चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं फिर से पास कर देता हूँ, ड्रीम गर्ल डॉट MP3। मैंने ऐसा करा और ये लो जी, आप प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, ठीक। आप इस तरह से प्रपोज कर सकते हो, या आपका कोई, आपको कोई प्रपोज करने वाला नहीं है तो इसके थ्रू आप प्रपोज करवा सकते हो। तो देखो मेरी ड्रीम गर्ल मुझको प्रपोज करने जा रही है, तो आओ देखते हैं कि ये मुझको प्रपोज कर पाती है या नहीं। तो सबसे पहले इसको एक नाम देना पड़ेगा, तो हर प्यार का एक नाम होता है, तो मैं लिख देता हूँ प्यार नामा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ प्यार नामा, मैंने दे दिया। अब देखो ये बैनामा कर रहा है, तो प्यार नामा करवाना है मुझको, ठीक है। आपके ऊपर है, आप अपना नाम दे सकते हैं। मैंने कहा प्यार नामा, तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब देखो यहाँ पे os.system हो गया, माई ओबीजे मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, आप अपने हिसाब से अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हो। इसके बाद क्या करना है यार, सिंपल आपको रन करवाना है, ठीक है, रन करवाना है आपको। तो मैं अपने माइक को करता हूँ यहाँ पे, सुनो, आई एम प्रपोजिंग यू। तो आपने देखा कि इसने कैसे प्रपोज करा है, तो भाई मुझे तो प्रपोजल मिला है उधर की तरफ से। अगर आपको भी, आपको किसी को प्रपोज करना है, आप मेरे जैसे इतने भाग्यशाली नहीं है कि आपको प्रपोजल उधर से मिल रहा है, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो खुद से करने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी और होनी चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, फिर से CMD का दिल का दरवाज़ा खोलेंगे और एक लाइब्रेरी को और इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आइए करते हैं एक लाइब्रेरी को और इंस्टॉल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों PyTTSX3। मैं इस लाइब्रेरी का यूज़ करने वाला हूँ, PyTTSX3। इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, जब आपको कोई प्रपोज ना करे तो आप उसको कर दीजिए, ठीक है। तो आइए जो है अब मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप प्रपोज करें। तो चलिए करते हैं प्रपोज, और फिर से हम अपना एक नई फाइल बनाते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपको प्रपोज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो PyTTSX3 आपने किया है, उसी PyTTSX3 को क्या करना है, आपको इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। तो आपने PyTTSX3 को इंपोर्ट कर लिया है, इसके बाद क्या करना है, आपको एक वेरिएबल ले लेना है। मान लो कि मैं ले लेता हूँ लव नाम का वेरिएबल। देखो आजकल लव वाली कहानी बड़ी चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, लव वाली ही बात करता हूँ। आपको लव बड़ा पसंद है, आपको लव बड़ा पसंद है, आप क्या करो, लव वाला एक वेरिएबल ले लो, लव करो सब लोग, ठीक। तो इस तरह से लव ले लिया आपने, और फिर क्या करना है, आपको फिर कर देना है PyTTSX3 PyTTSX3 dot init। आपको इस तरह से इनिशियलाइज कर देना है,
इसके बाद क्या करना है, आपको फिर अपने लव को कहना है। क्या लव को कहना है? लव डॉट से। अब इससे क्या कहलवाना चाहते हो या आप खुद क्या कहना चाहते हो? तो अगर आपको किसी ने प्रपोज नहीं करा है तो आप क्या करिएगा, आप उसको इस तरह से प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। आप भी लिख सकते हैं आई एम प्रपोजिंग यू, आई एम प्रपोजिंग यू। आपने इस तरह से लिखा, आपने डबल कोट्स इस तरह से बंद करा। अब डबल कोट्स नहीं बंद करोगे तो ये आपको प्रपोज नहीं करेगा। तो प्रपोज करवाना है तो क्या करिएगा, इसी तरह से करना, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं कि प्रपोज कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं प्रपोज बोलते बोलते मैंने वेरिएबल का नाम भी प्रपोज ले लिया, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा, नहीं तो लव को प्रपोज करते रह जाएंगे और प्रपोज होगा नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, लव डॉट रन एंड वेट। देखो यार, किसी को बिना वेट करवाए सीधे लव नहीं हो जाता है, तो सबसे पहले वेट तो करवाना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, रन करो, पहले क्या करो, भागो। भागते हो आप, पीछे पीछे साइकिल लेके जाते हो, बाइक लेके जाते हो, कार के पीछे भागते हो, वैसे क्या करना है, रन करना है। अब उसके बाद रन करने के बाद वेट करना है कि वो अपने दरवाजे से आए। तो आप क्या करोगे, रन एंड वेट। तो रन तो कर लिया, अब क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब वेट भी कर लिया, यार रन कर लिया, पहले हमने सबसे पहले क्या करा, अभी सबसे पहले इस जमाने में आए तो इम्पोर्ट कर लिया। फिर हमने क्या करा, लव की शुरुआत हुई, हमने क्या करा, पाई टी टी एस एक्स थ्री। देखो पाई टी टी एस एक्स थ्री को हमने क्या करा, इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद क्या हा? क्या कि कहो, क्या कहो, आई एम प्रपोजिंग यू। फिर क्या करना है, लव के साथ में भागना है, फिर रुकना है और वेट करना है। उसके बाद क्या करिएगा, सिंपली आपको रन पे जाना है और रन कर देना है। आइए देखते हैं क्या होता है अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। आओ देखते हैं, इसको रन करवाते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। अब मैं इसको करवाता हूँ रन और देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, देखा आपने कि आप इस तरह से किसी को भी अपने लव्ड वंस को प्रपोज कर सकते हैं, वो भी कोडिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू। तो जो भी पाइथन एंथुसियास्ट हैं, जो भी कोडिंग को सीखना चाहते हैं, और सिर्फ सीखना चाहते हैं नहीं, लाइफ में यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कि यार यूनिक ऑनलाइन गुरु को सब्सक्राइब करो। यार अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया इंटरेस्टिंग आपको इस प्रपोज डे पे दिखा, आज के इस प्रपोज डे पे अगर आपको कुछ नया दिखा, तो यार बिना लाइक किए जाना मत। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी और आपको किसी अपने लव्ड वंस को प्रपोज करना सिखाना है, आप चाहते हो कि वो हमको ऐसे प्रपोज करे, तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है जो प्रपोज करने के लिए सालों से परेशान है, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल करिए, पाइथन सीखिए और प्रपोज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and family members.